मुझे डॉक्टर अफसर अली भट्टी कहते हैं। मैंने MBBS निस्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान से किया इन 1986। उसके बाद मैंने FCPS इन जनरल सर्जरी किया। देन आई बिकेम ए फेलो ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स। आई एम वर्किंग एज ए प्रोफेसर ऑफ सर्जरी एट्स लाहौर जनरल हॉस्पिटल लाहौर एंड अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लाहौर। दैट इज़ ऑल्सो ए पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट। और इवनिंग पे मैं प्राइवेट प्रैक्टिस जो मेरी वो डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर में है। लोग पूछते हैं कि आपकी स्पेशलिटी क्या है, तो मेरी स्पेशलिटी जनरल सर्जरी एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है। जनरल सर्जरी इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड, जिसमें हम ये कहते हैं कि नेक से नीचे जो भी बीमारियां हैं मोस्टली जनरल सर्जन डील करते हैं। इन एडिशन टू ट्रॉमा या फायर आर्म इंजरी आ जाती है, वो भी हमें डील करनी पड़ती हैं। लेकिन मेजर बीमारियों के नाम में ले तो कोई गले की बीमारियां, गिलड होता है, कोई थायराइड बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, वो जनरल सर्जन का काम है। उसके बाद नीचे आए तो ब्रेस्ट डिजीजेज एंड ब्रेस्ट कैंसर इज़ आवर मेन फील्ड, उसमें हम उसको डील करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। नीचे आए तो पेट के अंदर जितनी डिजीजेज हैं लाइक स्पेशली गॉल स्टोन्स बड़े कॉमन हैं, पित्ते की पथरियाँ, एवरी थर्ड फोर्थ वो मैन इज सफरिंग फ्राम दिस डिजीज़। आजकल तो मेल में भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा डाइटरी पैटर्न चेंज हो गया, खाने पीने का स्टाइल चेंज हो गया, तो मेल पेशेंट भी हमारे पास आते हैं। और स्टोमिक के कैंसर्स हैं, स्टोमिक की और बीमारियाँ हैं, जिगर में रसौलियाँ हैं, उसके बाद पेट के अंदर कोई किसी किस्म की भी रसौली हो जाए तो वो एज ए जनरल सर्जन हम ही डील करते हैं। लेग्स में फीमेल में वेरिकोज वेन होती हैं, उनकी नाड़ें फूल जाती हैं, वो भी हमारा जनरल सर्जन का काम है। अब ये जितनी ओपन सर्जरी थी, आज से कुछ 10 साल पहले हम हर चीज़ को ओपन करते थे, लेकिन विद द इन्वेंशन ऑफ न्यू थिंग्स एंड स्पेशल टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें जो ना मिनिमाइज होकर मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी पे चली गई हैं। सपोज जब पित्ते का ऑपरेशन हम एक लंबा चीरा देते थे पेट के अंदर, उसके बाद अंदर पहुँचते थे, जो काम हाथों से जाके अंदर करते थे वो अब छोटे सुराख से बाहर से ही हो जाता है। दिस इज कॉल्ड मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, और वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। आम लोग इसको लेज़र सर्जरी कहते हैं, बेसिकली इट इज़ ए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो उसमें उस कॉमनली जो हम ऑपरेट करते हैं वो पित्ते के ऑपरेशन हैं, जिसमें पित्ते की बीमारियां हैं, पित्ते का कैंसर भी हो सकता है, और स्टोन्स होते हैं वो निकालते हैं, मैदे के ऑपरेशन हो सकते हैं, बड़ी आंत का कैंसर भी पहले हम ओपन सर्जरी से करते थे, अब हम उसको राइट साइड पे या लेफ्ट पे या मिडल पे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। गैजेट्स बहुत रिफाइंड आ गई हैं, बड़ी स्टैंडर्ड की है, जिससे हम मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी से भी ये सारे काम कर लेते हैं। लोग पूछते हैं कि व्हाट्स बैरियाट्रिक सर्जरी। बैरियाट्रिक सर्जरी इज़ बेसिकली मोटापे को कंट्रोल करने की सर्जरी है, कि बहुत पेशेंट मोटे होते हैं, उन्होंने डाइटिंग की होती है, एक्सरसाइजेज, जिम ज्वाइन किए होते हैं, लेकिन वो उनका वज़न कम नहीं हो रहा, दे आर एग्जॉस्टेड, और वो डिप्रेशन में भी कुछ लोग जा रहे होते हैं, उनके लिए अब अमेरिका में तो इट्स हैज़ बिन डिक्लेयर एज ए डिजीज़। ये कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है, वो बंदा बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है। उसमें जोड़ों के दर्द हैं, दिल की बीमारियां हैं, शुगर को कंट्रोल ना होना, हाई ब्लड प्रेशर का कंट्रोल ना होता, तो उसको हम इस बैरियाट्रिक सर्जरी से कंट्रोल करते हैं। लोगों की इंसुलिन से भी जान छूट जाती है। तो इसमें 2-3 ऑप्शन होती हैं, जो पेशेंट को सूट करे अकॉर्डिंगली उसका वही ऑपरेशन किया जाता है। कॉमन ऑपरेशन इज स्लीव गैस्ट्रेक्टमी और बाईपास ऑपरेशन। तो ये भी सारे मिनिमल इन्वेसिव छोटे सुराखों से हो जाते हैं, और मरीज़ को पता नहीं चलता, और वो दूसरे तीसरे दिन डिस्चार्ज हो जाता है। जितने ऑपरेशन हम करते हैं जनरल सर्जरी के, या बैरियाट्रिक सर्जरी है, या एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, तो उसकी जो अपॉइंटमेंट अगर लेना चाहते हैं तो वो मरहम के थ्रू, इस बड़ा अच्छा इदारा है जो कौम की खिदमत कर रहे हैं, उसके थ्रू भी आ सकते हैं। और अगर कोई पुअर पेशेंट है जो अफोर्ड नहीं करता, तो जनरल हॉस्पिटल में हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं।